अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ट्रैवल विद हनीफ की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम जा रहे हैं मंडा कुली की तरफ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नकोट गली और सफ़र स्टार्ट कर दिया हमने। अभी देखेंगे कितना टाइम लगता है और रास्ते के व्यूज़ कैसे हैं, ये सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ और दिखाते हैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। ये है जी चुनिया गांव का स्टार्ट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। ये अभी चुनिया मॉडल गांव से हम गुजर रहे हैं, आगे चुनिया पार्क और व्यू पॉइंट आता है, उसकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ और आई कार्ड में भी लिंक दे रहा हूँ, तो वो भी लाजमी देखिए। और अभी हमारा सफ़र है मंडा कुली की तरफ। अभी चुनिया व्यू पॉइंट और चकियाँ कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे मंडा कुली की तरफ। यहाँ एक मकामी भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि अगर आप इस तरह वीडियो बनाते जाओगे तो पैदल यहाँ से घंटा लगता है, अगर बगैर रुके आप निकलते हो तो फिर 25 मिनट का फासला है, और अगर बाइक या गाड़ी हो तो फिर 10 मिनट का फासला है यहाँ से। अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, अल्लाह करे बारिश ना आए, अगर बारिश आ गई तो काम ख़राब हो जाएगा। बाकी ये है कि रखते सफ़र बांधा हुआ है, देखते हैं कि आगे जाके क्या बनता है। अभी सड़क की तामीर का काम जारी है और यहाँ एक भाई बता रहे थे कि इसका टेंडर तो मंजूर हुआ है, लेकिन यहाँ सड़क बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 6 महीने बल्कि 6 महीने से भी कम गर्मियों का सीज़न होता है और फिर बर्फ़बारी का सीज़न होता है, और यहाँ सारी बर्फ़ होती है 4-4, 5-5 फुट, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। ये है कि आने वाले साल में ये सड़क कंप्लीट कर ली जाएगी, जिससे फिर मंडा कुली तक जाने के लिए बहुत ही आसानी होगी। ये देखें जी, यहाँ पे नीचे वो सामने आपको भाई नज़र आ रहा होगा, ये दरिया से रेत निकाल रहे हैं। यहाँ पे रेत निकालने का ये तरीका होता है। ये रास्ते में चलते हुए एक खूबसूरत और छोटी सी आबशार नज़र आई है, ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारे। ये रास्ता जो है चनिया व्यू पॉइंट से आगे मुसलसल चढ़ाई वाला, अभी हम चढ़ते ही जा रहे हैं, देखते हैं कि कितनी चढ़ाई और बाकी है और फिर आगे कितना सफ़र रह गया। यहाँ से मंडा कुली सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रह गया, और आप नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत होते जा रहे हैं। ज़बरदस्त ट्रैक है, और बाइक पे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप पैदल आते हैं तो इसकी खूबसूरती से आप सही तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। ये देखें जी, ये ऊपर से पहाड़ से पानी कतरा कतरा करके गिर रहा है नीचे, और यहाँ पे एक छोटा सा हौज नुमा बना के उन्होंने, और ये यहाँ पे चश्मे टाइप बनाया। अगर आप रास्ते में गुजरें और प्यास लगे तो आप यहाँ से पानी भर के यूज़ कर सकते हैं। ये इधर गिलास भी पड़ा, अगर पीना हो तो आप पी सकते हैं।
यहाँ पे आके सड़कें दो हो गई हैं, एक नीचे की तरफ जा रही है और एक ऊपर मंडाकुली की तरफ जा रही है। तो हमें भाई ऊपर इस ट्रैक पे जाना है मंडाकुली, अगर आप जाना चाहते हैं। और नीचे की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली क्योंकि यहाँ कोई मकामी बंदा नहीं था, और इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता देंगे। ये हैं जी मंडाकुली गांव में मौजूद मकामी लोगों के घर, और यहाँ पे फसलों के गिर्द लकड़ी की बाड़ लगाई गई है, अंदर मकई और लोबिया काश्त किया हुआ। अभी काफ़ी थक चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता अब आगे चलते हैं। दरख्त देखें कितना बड़ा, अभी बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। ये भी नीचे घर की तरफ रास्ता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, मौसम सामने, पहाड़ों पे बादल, हल्की हल्की बारिश। नया घर तैयार हो रहा है, या हो सकता है इसको गेस्ट हाउस की शक्ल दे दें। इसके नीचे ऑलरेडी कमरे मौजूद हैं। फाइनली मंडाकुली प्लेग्राउंड में पहुंच चुका हूं। यहां पे क्रिकेट खेली जाती है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहां पे भाई बता रहे थे कि इस ग्राउंड का जो सीज़न है वो है मार्च से लेके मई के एंड तक। यहां बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, बहुत ज़्यादा घास होती है, लेकिन जैसे जैसे मौसम गुजरता जाता है तो ये घास भी कम होती जाती है और फूल भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब भी काफ़ी खूबसूरती है यहाँ पर, ऊँचे ऊँचे दरख्त हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे इस टाइम दो खेमे मौजूद हैं और कैंटीन की सहूलत भी मौजूद है, अभी जाके उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। ये यहाँ पे एक खेमा लगा हुआ है और ये भाई का किचन है, यहाँ पे चाय वगैरह तैयार करते हैं ये, आप देख सकते हैं। और ये खेमा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाईजान ठीक है, अल्लाह का करम। अच्छा, ये इधर आपने अकेले ने खेमा लगाया या कोई और भी यहाँ पे लगाता है? अकेले ने लगाया। सही हो गया। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे रहना चाहे तो रह सकता है? कोई इशू नहीं है, कोई किराया नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है टूरिस्ट के लिए। सही हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आकिब नाम है। सही हो गया। ये मोहम्मद आकिब भाई है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे ये सहूलत दी हुई है टूरिस्ट के लिए। अगर आप आए यहाँ पे आराम करना चाहें, आराम भी कर सकते हैं। एक और टेंट भी लगाया हुआ है, वो भी सोने के लिए, टूरिस्ट के लिए। वो आगे एक टेंट लगा हुआ है, वो भी सोने के लिए, अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहें तो। और यहाँ पे बोतल, चाय, चिप्स, हर चीज, टिक्का बोटी वगैरह हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये ग्राउंड से होते हुए सड़क आगे गाँव की तरफ जाती है, अभी मैं आगे गाँव की तरफ भी जा रहा हूँ। ये ग्राउंड की बाउंड्री वाल है और वो आगे पिच बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पे चिरागाह में जानवर चर रहे हैं। ये बाउंड्री वाल आपको दूर से नज़र आ रही होगी, हर पत्थर पे वाइट कलर का रंग किया गया। अगर आपने आना हो तो यहाँ पे लोकल्स की जीप वगैरह भी आती हैं। ये देखें, ये एक जीप आगे गांव की तरफ जाएगी और यहाँ के मुकामी लोग इस पे सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मैं ऊपर गांव की तरफ जा रहा हूँ।
ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सबसे आखिरी गांव है और यहाँ से आगे फिर मकबूजा कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है। सामने पहाड़ पे इंडियन आर्मी की चौकियाँ। यहाँ से गांव की हदूद शुरू हो जाती है। हर गांव की अपनी खूबसूरती और अपने ही नज़ारे हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ आपको कि जब आप मंडागुली प्ले ग्राउंड के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पे आके एसकॉम के सिग्नल भी नहीं आते और आपका रबता मुनकता हो जाता है। बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। अगस्त के महीने में मौसम चेक करें कितना रेनी और कितना क्लाउडी वेदर है यहाँ का। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई। अगर आपने 12,000 ही जाना है तो वो रास्ता उधर बेला से ही जाता है मैदान से आगे, और ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा था ये इसी गांव में आके ख़त्म हो जाता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से आगे आबादी भी ख़त्म हो जाती है और रास्ता भी ख़त्म हो जाता है। ये पीछे गांव है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। और यहाँ पे एक भाई मिले हैं मुझे, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, अगर किसी ने 12,000 ही जाना हो तो परमिशन की ज़रूरत है? जी है, परमिशन लेनी पड़ती है नीचे से बस लिखवा के। बाकी रोक टोक इतनी नहीं होती, मिल जाती है, बस बंदा थोड़ा सा है कि एहतियात बरते। सही हो गया। तस्वीरें शस्वीरें ये वो उधर जाके बस साइड से बनाए है, पोस्ट की है, उस की ना बनाए तो इस तरह बहुत ही पाबंदी, बस इस वजह से वो थोड़ा सा एहतियात करने। सही। और यहाँ से अगर किसी ने जाना हो तो किराया कितना लेते हैं जीप का? किराया तो मुख्तलिफ होता है, 4,000-5,000 इतना तो ले लेते। सही हो गया, चले शुक्रिया। तो जी नाजरीन, यहीं पे करते हैं अपनी मंडाकुली वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आए या मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।